हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अंबाला से नकली सैनिटाइजर बनाने का मामला सामने आया। बता दें कि कोरोना वायरस की आड़ में मुनाफाखोर दूसरे के लाइसेंस को प्रिंट करके नकली सैनिटाइजर बना रहे हैं, जिसका ड्रग विभाग ने भंडाफोड़ किया। बता दें कि ड्रग्स विभाग को सूचना मिली थी कि बीजे फ्लोर मिल के पीछे एक घर में बिना लाइसेंस और किसी कंपनी के नाम पर नकली सैनिटाइजर बनाया जा रहा है, जिस पर रेड करते हुए ड्रग विभाग ने सैनिटाइजर सहित कई बोतलें बरामद की हैं। बता दें कि दवा निर्माता कंपनी के मालिक योगेश मिड्ढा ने शिकायत दी थी कि कोई कंपनी बिना इजाजत के अवैध तरीके से उसकी कंपनी के नाम और लाइसेंस नंबर पर सैनिटाइजर बना रहा है, जिस पर ड्रग्स कमिश्नर ने असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की अगुवाई में टीम का गठन करके एक मकान में रेड की, जहां से नकली सैनिटाइजर बरामद किया गया। फिलहाल उसे सील करके मामला दर्ज कर लिया है और वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसको कल अदालत में पेश किया जाएगा। सैनिटाइजर बना रहे हैं, जो हमारे ड्रग लाइसेंस जो नंबर है वो लेबल के ऊपर प्रिंट करके फैक्ट्री का नाम मैजिक्स वो हर्फ लिख के माल बेच रहे थे। सैनिटाइजर बना इधर घर पे ही है। मेरे को डिपार्टमेंट के थ्रू पता लगा कि ये आप लाइसेंस पे आपका लाइसेंस नंबर है, क्या आप ये सैनिटाइजर बनाते हो? मैंने कहा सैनिटाइजर नहीं बनाता हूँ, तो ना ही मैंने कभी बनाया है। ये दो तीन बंदे थे जो बना रहे थे घर पर। मैं एक सूचना हमारे कमिश्नर एफडीए श्री अशोक जी मीणा आईएएस को नकली सैनिटाइजर की फैक्ट्री और बिना वैध लाइसेंस के बनाते हुए एक सूचना मिली, जिस पर कमिश्नर साहब ने पुलिस अधिकारियों की एक टीम का गठन किया और मौके पर जयचंद की निशानदेही पर, जो कि एक कमरे में फैक्ट्री ये चला रहा था, दो मशीनें बरामद हुई और लगभग जो है 50,000 रुपए का नकली हैंड सैनिटाइजर जो बिना लाइसेंस के बनाया जा रहा था बरामद हुआ।